तो फ्रेंड्स वेलकम बैक, कैसे आप? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टाइम में जो है बच्चे जब पढ़ते हैं, टेंथ में जाते हैं या कॉलेज जाने लगते हैं, तो उनके रिलेटिव बोलते हैं जॉब के बारे में कि क्या सोच रहा है, क्या करना है। लेकिन मैं आज एक ऐसे पर्सन से आपको मिलाने वाला हूँ जो जॉब में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लगता है रखता है, मतलब एक ऐसे पागल इंसान आप कह सकते हो जो बिल्कुल ही जॉब पे बिलीव नहीं रखते हैं। तो आपको उनसे मिलाने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दूं मैं कि इनके रिलेटिव में काफ़ी है जो काफ़ी लोग जो है सरकारी जॉब करते हैं और इनको ये नहीं पता है कि वो कौन सा पोस्ट पे है और क्या अभी तक ये जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे आपको उन्हीं से मिलाता हूँ और कुछ इनसे जानते हैं इनके बारे में। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, आपने टाइम हमारे लिए निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो सर आप अपने बारे में कुछ बताइए और अपना, आपको तो काफ़ी लोग मतलब यूट्यूब पे जानते ही हैं और आपका पहचान देना तो कोई वो नहीं है, लेकिन आप कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ, सबसे पहले बीच में आपने बहुत सारी बातें बताई, पता नहीं क्या क्या, मैं तो सुन ही रहा था। अच्छा, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन पागल हूँ अपने जिद के लिए, जिद के लिए जो मुझे करना है उसके लिए। बिल्कुल, ये मत समझना कि मेंटली डिस्टर्ब हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, बाकी ये बता रहे थे कि जॉब, मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। रियली बता रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता वो किस पोस्ट पे, ये पता है रेलवे डिपार्टमेंट में है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है किस पोस्ट पे। रीजन ये है कि मेरा जॉब में शुरू से इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं कॉलेज कर रहा था, सॉरी, जब मैं स्कूल में था 10वीं क्लास में, सब पूछते थे बेटा अब क्या करना है, IAS की तैयारी करना है, IPS करना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, आर्मी में जाना है, बैंक में जाना है, क्या करना है? तो मैं बस ये बोलता था बताऊँगा। करते 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 वो टाइम है जब डिसीजन लेना था, तो साफ साफ मैंने मना कर दिया पेरेंट्स को कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे बिजनेस करना है। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, हमारी फैमिली में हमारे आसपास के लोग हैं, बिल्कुल कहते हैं ना कि पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, उनको जैसा सुनने को मिलता है, जैसा आसपास देखते हैं, उसका बेटा जॉब कर रहा है, 30,000 महीना कमा रहा है, 50,000 महीना कमा रहा है, सरकारी नौकरी है, ये हर घर में होता, हर घर में होता है, वो भी सही है, उनको नहीं पता है और क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज की डेट में उस दिन मैंने जो डिसीजन लिया, आज उसका इफेक्ट है। आज वो पर्सन जो नौकरी करके, सरकारी जॉब करके जितना कमाता है, उतना बैठे बैठे मैं एक वीक में मेरी इनकम है। मैं किसी को सही और गलत जज नहीं कर रहा, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है, किसी को जॉब में इंटरेस्ट है, किसी को बिजनेस में, नौकरी बिल्कुल सही है। लेकिन नौकरी में मैंने जो नोटिस किया, नौकरी में हमें नौकर बनाना सिखाया जाता है। बिल्कुल, अगर असली मालिक बनना है ना, अगर आपको मालिक बनना है तो आपको अपना ही काम करना पड़ेगा, रिस्क लेना। एक नौकरी में आपको ये सिखाया जाएगा एक अच्छा नौकर कैसे बनना है, लेकिन एक अच्छा मालिक कैसे बनना है वो आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा। इसलिए मैंने डिसीजन लिया था कि मैं जाऊंगा तो अपने बिजनेस में ही जाऊंगा, खुद का। जी अच्छा सर, आप ये बताइए अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, हमारे समाज में बिजनेस का मतलब कुछ और है। हमारे समाज में लोग समझते हैं बिजनेस मतलब करोड़ों का इन्वेस्टमेंट। मैं आपको ये बिल्कुल सही बोलते हैं वो लोग, लेकिन काफ़ी हद तक गलत है। इसका रीज़न ये है कि आज दुनिया में बहुत सारा ऐसा काम है जिसको बहुत कम पैसे लगाकर भी शुरू किया जा सकता है और कमाया जा सकता है। मैंने भी यही सुना था, मुझे भी लोगों ने कहा था कि भाई तेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। मैं फिनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं था, फैमिली में इनकम कम था, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन कहते ना कि जब आप कुछ करने की सोच लोगे तो रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। एक गाड़ी का ड्राइवर, एक कार लेके अपन घर से निकलते हैं, सामने अपन को केवल 250 मीटर लाइट से दिखता है, जितना दूर लाइट जाता है उतना ही दूर, लेकिन हमें जाना था 500 किलोमीटर। क्या हमें आगे का रास्ता दिखता? नहीं दिखता ना, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें रास्ता दिखता जाता है, रास्ता अपने आप बनता जाता है। मैंने जब अपना काम शुरू किया था, मेरे पास पैसा 1 रुपया नहीं था, 0 इन्वेस्टमेंट, बिना पैसे लगाए मैंने काम शुरू किया था। उसके बाद करते 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 आज वो दिन है कि आज मेरे पास खुद का टीम है, 7 से 8 जने मेरे साथ काम करते हैं, मैं बैठा रहूं, मैं घूमता रहूं, मेरा काम चलता रहता है। आज हर वो फैसिलिटी है जो होना चाहिए। बिल्कुल, आज मोर देन 300 अलग अलग कंपनीज इंडिया से बाहर की हमसे सर्विस लेती हैं, उनको हम सर्विस देते हैं, और आज लाखों लोगों को उनके बिजनेस शुरू कराने में जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, जो मैंने देखा कि किस तरीके से कोई कम पैसे में काम शुरू कर सकता है, आज मैं वही उन लोगों को शुरू कराने में पूरी तरीके से मदद करता हूँ। मैंने ये देखा कि मैंने प्रॉब्लम जो सही है वो मेरे जरिए अगर हो सकता है जहाँ तक लोगों को कम से कम हो, इसलिए मैंने ये टारगेट किया कि मैं बिजनेस तो करूँगा ही, साथ में एक काम और करूँगा, वो ये
कि जब 10 लोग ये बोलेंगे ना कि ये वो बंदा है जिसके वजह से मैंने बिजनेस शुरू किया था, मेरी वजह से 10 लोग कमाएंगे ना, उस दिन का इंतजार कर रहा था और फाइनली आज वो दिन आप सबके सहयोग से आता जा रहा है। तो सर आप ये सब कैसे किए और किस तरह किए और कैसे रिस्क लिए इसके बारे में कुछ? हाँ देखिए बहुत लंबी जर्नी है, मतलब पिछले 3 साल की है। अच्छा, और 2 मिनट में बताना है तो जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे बहुत डरता था। डरता इस बात से था कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मन में मुझे भी लगता था कई बार, लेकिन धीरे धीरे करता गया, करते 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 अच्छे लोगों से संपर्क होता गया। हाँ जी, रिस्क लेना जरूरी है, अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसके बाद करते 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 बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्ट्रगल किया, कई बार तो जान तक का खतरा हुआ, कई बार अब मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं, कल हम लोग अभी फिलहाल हम लोग पटना में, पटना में होटल में बैठकर हमें वीडियो कर रहे हैं। कल हम लोग जहाँ पर गए थे एक मतलब एक कुछ प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। एक्सीडेंट भी ऐसा हुआ कि पूरी गाड़ी पलट गई, जिसमें लोगों का बचने का चांस 0% होता है। हम लोग बचे सही सलामत तो नहीं कहूँगा, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, सिर में चोट लगा, पैर में चोट लगा, जहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए था उस टाइम में हम लोग हॉस्पिटल ना जाके पहले हम अपना काम करने गए थे। कल की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा हुआ था। मतलब कहने का कि अगर आपको अपने काम से प्यार हो जाता है, अगर आपको खुद पर भरोसा हो जाता है ना, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी, दुनिया में बड़े से बड़े जो कुछ नहीं करते वो लोग भी आपको कितना भी नेगेटिव कर दे, आप कभी हार नहीं मानोगे, मैं तो यही जानता हूँ। तो सर आप ये बताइए कि आपने क्या बिजनेस शुरू किया था और किस तरह से शुरू किया था, तो इसके बारे में बताइए जरा। जी देखिए, आज इंडिया में बहुत टैलेंटेड है। आज अगर आप बात करोगे, आज दुनिया के अलग अलग देश में जितने भी सीनियर पोस्ट पे बैठे हैं सारे इंडिया के लोग हैं। आज IAS IPS का गढ़ बिहार है और मुझे गर्व होता है कहते कि मैं उस बिहार से हूँ, उस राज्य से हूँ। और मैं केवल एक पर्टिकुलर जगह की बात नहीं कर रहा, आज इंडिया में बहुत लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, उनके अंदर टैलेंट है लेकिन वो रुक जाते हैं कई बार। उसका 2 वजह मैंने देखा है। पहला वजह ये, सही जानकारी नहीं मिल पाती है, दूसरा बात कि पैसा नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उन लोगों को जिनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है उनको सही जानकारी प्रोवाइड कराऊं, जिनके पास पैसा नहीं है उनकी मदद करूं और उनका काम शुरू कराऊं। तो शुरुआती दिनों में मैंने एक चैनल शुरू किया था YouTube पर, छोटा सा, मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम में वो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा मेरे लिए। तो उस टाइम पे हम लोग अलग अलग मीडियम से अलग अलग लोगों को बिजनेस स्टार्ट कराने में मदद करते थे, और करते 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 लोगों का साथ रहता बनता गया, और काम करते करते आज हम लोग केवल हिंदी में नहीं, आज हम लोग हिंदी में, तमिल में, कन्नडा में, 3 अलग अलग लैंग्वेज में, जिसको इंडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तीनों लैंग्वेज में जो भी लोग हैं, जो जस्ट लाइक अगर कोई केरला से है, कोई साउथ इंडिया से है, कोई नॉर्थ इंडिया से है, सबको टारगेट करते हैं, सबको उनका बिजनेस स्टार्ट कराने मदद करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। आज बहुत बड़ी टीम है हमारी, करते करते धीरे धीरे, और अभी बहुत बड़ा टारगेट है। अभी टारगेट केवल इंडिया नहीं है, इंडिया के हर कोने में जो एक गरीब से गरीब इंसान है उनको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाना मेरा टारगेट है जी। तो सर लास्ट सवाल है आपके लिए, तो अगर कोई करना चाहता है बिजनेस या कुछ करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? दोस्तों मैं 2 बात कहूंगा। पहली बात ये कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आप सोचते हो कुछ करने के लिए, तो अपने काम में आप जाओ। आप नौकरी करके 30,000-40,000 कमा लोगे लेकिन बचेगा आपका कुछ नहीं, बचेगा भी तो एकाएक आपको उतना नहीं बचेगा कि आप एक बड़ी गाड़ी अपने घर के आगे खड़ी कर सको, उसके लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए एक बेस्ट ऑप्शन है बिजनेस। रिस्क जरूर है बिजनेस में अपना काम करने में, लेकिन वहां पर आप अपना मालिक हो, आप जो करोगे वही होगा। तो बिजनेस में जाइए। अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले सही इंफॉर्मेशन आपको लेना है। ये नहीं कोई बोल दिया कि भाई ये काम कर ले, कल से 20,000 आने शुरू हो जाएंगे तो लग जाना, नहीं, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो कर रहा है वो क्या बता रहा है कुछ नहीं पता है। तो आप सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए पहले, कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्या हो रहा है, अपना मार्केट कैसा है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, कहाँ रहते हो, कहाँ से आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, सारी चीज़ को देखो समझो। बाकी अगर आपको लगता है मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ तो आप मेरे चैनल पर भी जा सकते हो, छोटा सा चैनल है, आप उस पर जाकर मुझसे पर्सनली कनेक्ट भी हो सकते हो। मैं अगर पॉसिबल हो पाया जितना मेरे लिए, आपको मैं हेल्प ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों इनका चैनल जो है माय हिंदी एडवाइज, आप YouTube पे सर्च करके या लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और
शायद आप जानते ही होंगे इनको, YouTube पे ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानते होंगे। तो सर ने जैसे समझाया, मुझे उम्मीद है आप लोग काफी कुछ समझे होंगे। जैसे सर ने बताया कि नौकरी दोस्तों मेरे जानकारी के हिसाब से एक ऐसा है, अगर आप नौकरी में क्या, अगर 10,000 सैलरी मिल रहा है तो हम उसी 10,000 पे अटके रहते हैं और हम सोचते हैं यार 10,000 आ रहा है ना बस हो गया। लेकिन बिजनेस एक ऐसा चीज है, जहां तक मुझे पता है बिजनेस में ये नहीं है, 10 रुपए से स्टार्ट है और 10 लाख तक भी आप जो है कमा सकते हैं। बिजनेस एक ऐसा चीज है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, इस तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नमस्कार नमस्कार।